देखो ये हमारा जो वीडियो है वो सीधा वीडियो है और ये लास्ट दो टॉपिक्स है हमारे पास, उन दो टॉपिक्स के बारे में हम क्लियर करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो पहले पढ़ लेते हैं हम फूड चेन क्या होता है। चेन जिस तरीके से हमारे साइकिल में या मोटरसाइकिल में जो चेन होता है, तो उस चेन को देखते हैं कि जो एक बार घूमता है किसी अगर जगह से, अगर कोई अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले, कोई एक फिक्स पॉइंट मान ले, तो वहां से वो घूमते हुए जाता है, घूम के वो फिर से वो वहीं चला जाता है, तो ये चेन है। तो इसी तरीके से फूड चेन होते हैं। तो फूड चेन कहने का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम बात करें तो जो क्रिएचर है, अगर हम बात करें कि क्रिएचर जो है वो क्रिएचर क्या करते हैं कि हर को जीने के लिए, अपने आप को इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए, अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है चीज़ें वो करते रहते हैं। तो वो अपने आप को वो ताकि वो जी सके, इस पे वो सर्वाइव कर सके। तो फूड चेन में अगर बात करें तो हर प्राणी जो है किसी ना किसी प्राणी को खाता ही है। अगर बात करें छोटे जानवर हैं तो बड़े जानवर खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती है और फिर से वो चीज़ें जाके मिट्टी में ही मिल जाती हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम बात करें सब चीज़ें। सब एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम बात करते हैं कि एक ग्रास, हम ग्रास को लेके चलते हैं। ग्रास को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए, उसे बढ़ने के लिए मिनरल्स चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे, ठीक है। ग्रास को खाने वाले कौन होंगे, अगर हम नॉर्मली अगर बात करें ग्रास को खाने के लिए अगर बात करें तो ग्रास हॉपर, ठीक है। अगर बात करें तो ग्रास खाने वाले जो हैं वो ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर। अब ये ग्रास हॉपर जो है इसको खाने के लिए अगर बात करें तो फ्रॉग, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक एक, और स्नेक को खाने के लिए कहें तो ईगल। अब हम देखेंगे कि ये ईगल जो है वो किस तरीके से फिर ग्रास के पास पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता है। तो ये फूड चेन होता है। चेन का मतलब क्या होता है, फिर से घूम के वही चले, यानी कौन कौन जो चीजें हैं वो कौन कौन खा रहा है ये भी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं, ठीक है। और आगे इस क्लासेस में है जो अपर क्लासेस है वहां पर इसके बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन होगा। तो फूड चेन में क्या आते हैं, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। तो ये ग्रास को ग्रास हॉपर कहा गया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो ये सब क्या है, ये अगर बात करें हम तो ये फूड चेन है, ये चेन की तरह है, वो आगे बढ़ती है, ठीक है। फूड चेन के बाद अगर हम बात करें फूड चेन के बाद, तो कह सकते हैं अगर ये फूड चेन को अच्छे तरीके से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि हर कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी को खा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि अब फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम, गेट्स इट्स फूड इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे। ये फूड चेन ये शो करता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको खाते हैं, ठीक है, और कोई ना किसी पे वो डिपेंड होते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो फूड चेन होता है। एक बात करते हैं फूड वेव, ऐसा छोटा सा टॉपिक है फूड वेव। फूड वेव कहने का मतलब होता है कि ये जाल है, फूड वेव कहने का मतलब जाल। अगर हम बात करें तो ग्रास ऑफर को सिर्फ फ्रॉग नहीं, ठीक है, ग्रास ऑफर को फ्रॉग नहीं, फ्रॉग को कोई और भी खा सकता है, ठीक है। फ्रॉग को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक ही खाए, ठीक है। तो अगर हम इसको और एक अलग तरीके से अगर देखें इस चीज, तो ग्रास को अगर बात करें ना कि ग्रास को खाने के लिए, और हम किसी चीज को ये ना करके अगर ग्रास को अगर खाने के लिए अगर हम, यानी जो प्लांट है, प्लांट को खाने के लिए अगर हम डियर का इस्तेमाल करें, ठीक है, डियर को खाने के लिए लायन का इस्तेमाल करें, तो ये जरूरी नहीं होता है कि एक चीज को खाने के लिए तो दूसरी चीज हो। अब डियर को खाने के लिए ये भी तो बात कर सकते हैं, इसको खाने के लिए टाइगर भी होंगे,
ठीक है, और भी दूसरे जानवर होंगे, ग्रास को खाने वाले भी दूसरे जानवर होंगे, जो उसको खाएगा उसको भी खाने वाले कोई दूसरे जानवर होंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, कोई ना कोई जो है ये किसी ना किसी को वो अपना भोजन बना ही लेते हैं। तो ये सब मिला के अगर बात करें तो ये एक तरह से जान है, नेट है, कोई ना कोई किसी ना किसी जानवर को वो खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फूड वेट। तो अगर हम आप देखें अगर तो लगभग लगभग जो है वो सारे टॉपिक्स के बारे में क्लासेस के जो चैप्टर है, क्लासेस का जो चैप्टर है फूड, उसमें लगभग लगभग है वो सारे जो चीजें थी वो हमने क्लियर कर दी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लासेस का ही मैथ। ठीक है, एक दो दिन में उसका भी वीडियो जो है वो आपको लोड हो जाएगा।